भारतीय मजदूर संघ ने बद्दी में किया महिला सम्मेलन आयोजित। राष्ट्रीय मंत्री समेत प्रदेश भर से सम्मेलन में जुटी महिला शक्ति। घर से समाज, समाज से देश तक नारी शक्ति का योगदान। बीवीएन देश के अग्रणी मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ द्वारा नगर परिषद बद्दी के सभागार में महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक शुक्ला, उत्तरी क्षेत्र के सह संगठन मंत्री सोहन लाल गुप्ता, प्रदेशाध्यक्ष मदन राणा, उद्योग प्रभारी मेला राम चंदेल, उपाध्यक्ष मंगत राम नेगी, जिला महामंत्री राजू भारद्वाज समेत प्रदेश भर से महिला पदाधिकारी उपस्थित रहीं। महिला सम्मेलन के प्रथम सत्र की अध्यक्षता शीतल कराले ने की, जबकि मुख्य प्रवक्ता सुषमा शर्मा ने अपने विचार व सुझाव रखे। दूसरे सत्र की अध्यक्षता अनीता कुमारी ने की, जबकि मुख्य प्रवक्ता शालिनी गुप्ता ने अपने विचार रखे। वहीं तीसरे सत्र की अध्यक्षता शशि लता ने की और मुख्य प्रवक्ता मीरा ठाकुर ने अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय मंत्री अशोक शुक्ला ने कहा कि घर से समाज और समाज से देश तक नारी शक्ति का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ में कई प्रदेशों की कमान महिलाओं के हाथ में है और भामस हमेशा नारी शक्ति को साथ लेकर चला है। उन्होंने कहा कि किसी भी मजदूर संगठन में नारी सम्मेलन की पहल करने वाला भारतीय मजदूर संघ पहला संगठन है। उद्योग प्रभारी मेला राम चंदेल ने कहा कि भामस महिलाओं के हक के लिए हमेशा खड़ा है और महिलाओं को 33% आरक्षण और महिला बिल का हम खुलकर समर्थन करते हैं। इस मौके पर जिला सचिव दया ठाकुर, सीमा ठाकुर ऊना से रीता रानी, आशा वर्कर यूनियन की पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के साथ मीरा ठाकुर, आशा ठाकुर, ममता, शीतल, दया ठाकुर, सीमा ठाकुर, यशोदा, सुमन गुरचरणी, रीता देवी, सुरेखा, अंजू, प्रवेश, पवना, निशा शर्मा, नीलम, सुमन, संतोष, सीमा, रीता रानी, सुमन, शशिलता, मीना ठाकुर, अनीता कुमारी, सुषमा देवी, वंदना, मोनिका, संजना, निर्मला, गीता, कल्पना, मधु, सरला, रीना, डिम्पी, शिवानी, मंजू, शीतल, दीक्षा, सलोचना आदि उपस्थित रही। एन स्टार न्यूज के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। सम्मेलन आयोजित किया गया है तो क्या रहा इस कार्यक्रम का और क्या आगे की रणनीति भी क्या रहेगी, थोड़ा आप बताएं। भारतीय मजदूर संघ की एजेंसी के महिलाओं को आगे जाया जाए, देश के निर्माण में महिलाएं आगे हों, देश के तभी देश आगे बढ़ेगा। जैसे कि आज मोदी जी ने 33% किया तो इसको जल्दी लागू करके महिलाओं के लिए और सुविधा दे जिससे महिलाएँ और आगे बढ़े। आयोजित किया गया है तो थोड़ा सा उसका बताएंगे कि फिर किस तरह का कार्यक्रम था और क्या रहा कार्यक्रम में। जी, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आज भारतीय स्तर पर महिलाओं के संगठन में भागीदारी बढ़े, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जगह जगह महिला सम्मेलन आयोजित करने के निर्देशित किया गया। इसी क्रम में आज यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हिमाचल प्रदेश के महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें सभी कर्मियों ने भाग लिया है। इसकी विशेषता यह है, इसका संचालन, इसका आयोजन पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा ही किया गया और यह भारतीय मजदूर संघ की महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसका प्रयास लगातार चल रहा है। सम्मेलन आयोजित हुआ तो थोड़ा सा बताएंगे कि इस कार्यक्रम में क्या रहा। सादर नमस्कार। आज जिला सोलन के बद्दी में महिला भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश से सभी जिलों से आई बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस महिला सम्मेलन का एक यही उद्देश्य था कि जो आज महिला के अंदर जो शक्ति है उसको उजागर करना और जन जन तक इस चीज़ को बढ़ावा देना। महिला
का जो राष्ट्र निर्माण में भागीदारी है वो काफ़ी बहुमूल्य हैं, और आज एक घर से लेके एक समाज तक और एक समाज से राष्ट्र निर्माण पर तक अहम भूमिका है महिलाओं की। तो इसी उसमें आज महिला का सम्मेलन का यहाँ जो सम्मेलन किया गया, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे जो भारतीय मजदूर संघ में। आज मैंने पहली बार इस तरह का सम्मेलन, हम काफ़ी सालों से संगठन में काम कर रहे हैं, इस सम्मेलन का आयोजन किया, और सभी जितने भी इस सम्मेलन में जो सत्र रहे हैं उन सभी सत्रों में महिला की अध्यक्षता में ये सत्र किए गए। क्या विषय थे जो भारतीय मजदूर संघ ने उठाए हैं, और इन विषयों को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या जो है वो संगठन की रूपरेखा रहेगी? भारतीय मजदूर संघ के इस कार्यक्रम का सीधा सीधा विषय था राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका। वास्तव में पुराने समय से ही राष्ट्र के निर्माण में भूमिका रही है महिलाओं की, और यदि हम आदि अनादिकाल से भी देखें तो धन की देवी वो भी एक महिला यानी लक्ष्मी माँ, रक्षा की देवी यानी वो भी एक महिला दुर्गा माँ, और शिक्षा की देवी वो भी एक महिला यानी सरस्वती माँ, ऐसा आदि अनादिकाल से रहा है। भारतीय मजदूर संघ का उद्देश्य केवल इतना ही है कि महिलाएं अपनी शक्ति को अपनी ताकत को समझते हुए आज देश के निर्माण में अपनी भूमिका के लिए आगे आए, और इस तरह के प्रयास श्रम संगठनों में ये पहली बार भारतीय मजदूर संघ द्वारा किए जा रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ का नेतृत्व भी महिलाएं करें। और यदि मैं बताऊं तो आज हमारे जम्मू कश्मीर की महामंत्री एक महिला हैं भारतीय मजदूर संघ की, हमारे मणिपुर की महामंत्री एक महिला हैं भारतीय मजदूर संघ की। तो इस दिशा में भारतीय मजदूर संघ महिलाओं को लेकर एक स्पष्ट सोच लेकर के नेतृत्व उनको करना चाहिए भविष्य का, इसको लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया। तो पॉलिसीज रही हैं या आगे क्या करने जा रहा है संगठन, तो थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? सम्मेलन का जो हमारा कार्यक्रम हुआ उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारा शुरू करने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। ये जो महिला सम्मेलन भारतीय मजदूर संघ द्वारा किया गया, इसका मेन उद्देश्य यही था कि ऐसा नहीं कि आज से पहले भारतीय मजदूर संघ महिलाओं को कहीं स्थान नहीं देता था, एक इस तरह का एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू करके उन्होंने तरह से जो एक महिलाओं के अंदर एक हिचक रहती है, कई बार घर से बाहर आ भी जाए तो अपने जो अंदर उनके अंदर एक प्रतिभा होती है उसको छुपा के रखती है, उसको बाहर लाने की कोशिश की है, और जिससे उन महिलाओं में आत्मसम्मान और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए, और वो लोग अपने समाज में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती है एक सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में, उसके लिए महिलाओं के साथ चर्चा की गई, और यहाँ पर जो वक्ता आए थे उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ। ऐसे प्रोग्राम इसलिए शुरू किए हुए भारतीय मजदूर संघ ने क्योंकि इनकी कथनी और करनी में हमेशा समानता रही है। ये सिर्फ अपने भाषणों में या अपने कार्यक्रमों में नहीं कहते कि महिला सम्मेलन, इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करके साबित भी किया है कि महिलाओं को हमेशा सर्वोच्च मानते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई ने भी बताया आपको कि महिलाओं का आदि अनादिकाल से प्रथम स्थान रहा है, और भारतीय मजदूर संघ इसी रास्ते पर अग्रसर हो रहा है तथा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, और ये कार्यक्रम इस तरह के आगे आने वाले समय में बढ़ चढ़ कर हमारे देश और प्रदेश में किए जाएंगे।